आपके पास एक अच्छा कैमरा है, एक लेंस है, फिर भी आपकी फोटोज उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में हम इमेज सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि शूट करते टाइम हम कौन सी सेटिंग रखें जिससे आपको आपके कैमरा का मैक्सिमम आउटपुट मिले, आपको शार्प लुकिंग इमेजेस मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सिनेमैटिक वीडियो सेटिंग्स के बारे में एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो ऊपर आई बटन में आप लिंक देख सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए अब बात करते हैं इमेज सेटिंग्स के बारे में। तो आज मैं टोटल तीन चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है कैमरा सेटिंग्स। तो यहाँ पर अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जेपेग और रॉ ऐसे दो फॉर्मेट हमें देखने को मिलते हैं। जेपेग मतलब आपको एक कंप्रेस्ड रेडीमेड इमेज मिल जाती है जिसमें कलर्स और बाकी चीज़ें बैलेंस्ड होती है, और जो रॉ फॉर्मेट होता है वो अनकंप्रेस्ड फाइल होती है, उसकी साइज़ भी ज़्यादा रहती है और उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है कलर्स के ऊपर भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रॉ पर शूट कीजिए। जो डिटेल्स आप शूट के टाइम कवर नहीं कर पाते हो वो हम एडिटिंग में रिकवर कर सकते हैं। जो यहाँ पर जेपेग इमेज साइज़ है, यहाँ पर आपको तीन क्वालिटीज़ मिलेगी, 24 मेगापिक्सल, 12 और 6। तो आपको एल मतलब लार्ज जो कि 24 मेगापिक्सल है वो आपको रखना है। यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो है जो मैं प्रेफर करता हूँ 3:2, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर जो सेकंड पेज है, यहाँ पर आपको कलर स्पेस वो मैंने sRGB सेट करके रखा है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एडोब और sRGB, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो यहाँ पर तीसरा पेज है, तो यहाँ पर जो ड्राइव मोड है वो सिंगल शूटिंग रखना है। अगर आपने शटर का बटन एक बार प्रेस किया तो आपकी एक ही फोटो क्लिक होगी। अगर आप इसे चेंज करते हैं, हाइपर रखते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही इस बटन को दबा के रखते हैं तो यहाँ पर आपके जो फोटो है वो कंटिन्यूसली ये लेता रहेगा। तो यहाँ पर आप इसे सिंगल शूटिंग ही रख दो अनटिल अनलेस आपके उसको ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको स्पोर्ट फोटोग्राफी में ज़रूरत पड़ सकती है हाई की, लेकिन बाकी शूट के लिए आप सिंगल शूटिंग रख सकते हैं। यहाँ पर जो फिफ्थ पेज है वो है ऑटो फोकस का। यहाँ पर जो फोकस मोड है वो आपको सिंगल शॉट ऑटो फोकस रखना है। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल मोड मिलते हैं लेकिन आपको ऑटो फोकस रखना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें प्रायोरिटी सेटिंग, यहाँ पर भी दोनों जगह आपको AF ही रखना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें फोकस एरिया देखने को मिलता है जिसमें हमें YD सेलेक्ट रखना है। बाकी मोड्स में बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 6 नंबर का पेज है, यहाँ पर हमें जो आई फेस ऑटो फोकस है, तो ये ओपन करने के बाद हमें कुछ ये सेटिंग्स रखनी है, आप देख लीजिए एक बार। बाकी यहाँ पर जो 8 नंबर का पेज है, ISO सेटिंग्स मिलेंगी। बाकी आप ISO सेटिंग्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जो मीटरिंग मोड है वो आपको मल्टी रखना है, और जो यहाँ पर फेस प्रायोरिटी इन मल्टीमीटर मोड वो आपको ऑन रखना है, और स्पॉट मीटरिंग सेंटर रखना है। बाकी यहाँ पर जो बाकी चीज़ें आप ऐसे ही सेम रख लो। तो ये थी कुछ कैमरा सेटिंग्स। अब बात करते हैं जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है शटर स्पीड। बहुत मैं बिगिनर फोटोग्राफर्स को देखता हूँ तो वो लो शटर स्पीड पर शूट करते हैं। शटर स्पीड आपको 160 के ऊपर ही रखनी है। अगर आप उसके नीचे आते हो तो आपकी फ़ोटो ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मैं आपको प्राइम लेंसेस रेकमेंड करूंगा। आप 1.8, 1.4 वाले लेंस यूज़ कीजिए, उसमें आपको शार्पनेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो यहाँ पर तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फ्लैश। जब आपके पास कंट्रोल लाइटिंग सिचुएशन होती है तब आपके फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं और वो दिखने भी काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। तो आपको 10,000 के ऊपर ऑफ कैमरा फ्लैश आराम से मिल जाएंगे जो कि वायरलेसली ऑपरेट होते हैं। और अगर आपको ऑफ कैमरा फ्लैश के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जिससे आपको एक हाई क्वालिटी इमेज लेने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।